हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो क्रस्टेशियन लार्वीज वगैरह होते हैं, तो उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्रस्टेशियन जो लार्वीज वगैरह होते हैं उनको कितने पार्ट्स के अंदर बांट रखा है, कौन कौन से क्रस्टेशियन लार्वीज वगैरह होते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना गाइस वगैरह। तो इसके अंदर जनरली हम बात करें लार्वा होता क्या है, यानी कि जैसे ऑर्गेनिज्म वगैरह होता है तो उसके अंदर जो भी मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो इमेच्योर जो स्टेजेज वगैरह होती है उस टाइमिंग पीरियड के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है। जैसे हम इसकी डेफिनेशंस वगैरह के अंदर भी बात करेंगे, जैसे क्रस्टेशियन वगैरह होते हैं तो लार्वी फॉर्म के अंदर उनमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बात करें कि ये क्या होता है कि पर्टिकुलर किसका लार्वा है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर याद रखने योग्य बातें वगैरह उन सभी के बारे में आज के वीडियो के अंदर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो नॉपलियस जो लार्वा वगैरह होता है तो उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो भी लार्वीज वगैरह होते हैं, मेटानोप्लियस वगैरह या माइसिस, जुगिया वगैरह, मेगालोपा वगैरह, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं लार्वी ऑफ क्रस्टेशियंस, यानी क्रस्टेशियन के अंदर पाए जाने वाले जो भी लार्वीज वगैरह होते हैं उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लार्वा यानी कि लार्वा होता क्या है, एनिमल में पाए जाने वाला एक्टिव इमेच्योर फॉर्म जो उनके एडल्ट तथा यानी कि एडल्ट एवं प्यूपा से डिफरेंट होता है इज कॉल्ड एड लार्वा। वह लार्वा कहलाता है। क्या कहलाता है? लार्वा कहलाता है। लार्वा होता क्या है? एनिमल में पाए जाने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनके अंदर जो पाए जाने वाली एक्टिव इमेच्योर स्टेज कौन सी होती है, एक्टिव होती है और वो इमेच्योर फॉर्म होती है स्टेजेज वगैरह, जो उनके एडल्ट एवं प्यूपा से कैसी होती है, भिन्न स्टेजेज वगैरह होती है। काफी प्रकार की, जैसे डायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह ने हमने पढ़ा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह, इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह नहीं होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह होता है। तो इनडायरेक्टली फॉर्म के अंदर उसमें क्या होगा, लार्वी फॉर्म वगैरह कन्वर्ट वगैरह होता है। इसके अंदर जो एग्स वगैरह होते हैं, एग हैच आउट होने के बाद में लार्वी फॉर्म में कन्वर्ट होगा और लार्वा के बाद में फिर क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा और प्यूपा के बाद में इसके अंदर एडल्ट फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट वगैरह होगा। तो इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह पाई जाती है, तो उन सभी कीटों के अंदर क्या पाए, जो क्रस्टेशियंस वगैरह होते हैं या फिर जैसे इंसेक्ट्स वगैरह की हम बात करें तो उसके अंदर क्या होते हैं, लार्वा फॉर्म वगैरह कन्वर्ट वगैरह होता है। और इसके अंदर पाए जाने वाले जो भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं उसको क्या है कि डेवलपमेंटल जो स्टेजेज वगैरह है उनके अंदर फिजियोलॉजिकली जो भी वर्क वगैरह रोल प्ले करता है, ज्वेलाइन जो हार्मोन वगैरह होता है तो उसके डेवलपमेंटल स्टेज मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शन होती है जिसको कायांतरण कहा जाता है, तो उसके अंदर वर्क वगैरह करता है। तो इसके अंदर हम देखें जो क्या होती है एडल्ट जो प्यूपा वगैरह होता है, तो प्यूपा से क्या होती है डिफरेंट टाइप, यानी कि डिफरेंट होती है, अलग होती है उससे स्ट्रक्चर ये फॉर्म में हो या फिर बाद में हम मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टर्स है उसके बाद में बातें करें, वो क्या होती है लार्वा कहलाता है। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में बहुत प्रकार के लार्वीज वगैरह पाए जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर काफी प्रकार के क्रस्टेशियंस जिनको लार्वी कहा जाता है वो काफी प्रकार के इसके अंदर पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में बहुत प्रकार के लार्वीज वगैरह पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, इनवर्टिब्रेट लार्वीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट्स लार्वीज वगैरह कहा जाता है। और इसी के अंदर इनको सामान्यतः दो भागों के अंदर बांटा गया, यानी कि दो वर्ग वगैरह है, क्लासेज, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से इनको क्या किया गया, दो भागों के अंदर, दो खंडों के अंदर विभक्त वगैरह किया गया। एक तो होता है इसके अंदर जो लिविंग जो क्रस्टेशियन लार्वीज वगैरह होता है और एक होता है पैरासाइटिक जो लार्वीज वगैरह होता है। तो इसके अंदर हम बात करें लार्वा फॉर्म ऑफ फ्री लिविंग इनवर्टिब्रेट्स, सेकेंड टाइप है लार्वा फॉर्म ऑफ पैरासाइटिक इनवर्टिब्रेट्स। देखो इसके अंदर दो प्रकार के लार्वीज वगैरह होते हैं, यानी कि एक तो क्या होगा लिविंग फॉर्म के अंदर रहेगा और एक दूसरा क्या होता है पैरासाइट के रूप के अंदर रहता है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म वगैरह है तो उनपे क्या होता है पैरासाइट के रूप के अंदर रहेगा, वहां से उसी जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है दूसरे एनिमल्स वगैरह जो भी क्रस्टेशियंस वगैरह होते हैं या मोलस्कंस जो भी हैं तो उनसे क्या करेगा ये न्यूट्रिशंस लेते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिशंस वगैरह उसी पैरासाइट यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट वगैरह होते हैं और वहां से क्या करेंगे ये लोग एज ए न्यूट्रिशंस वगैरह उन्हीं से लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि वर्क रोल प्ले वगैरह करते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम लोग फ्री लिविंग जो लार्वी इनवर्टिब्रेट्स वगैरह जो होते हैं यानी कि लार्वीज वगैरह, तो उसके अंदर सबसे पहले है यानी कि प्रीमियम जो लार्वीज वगैरह होता है उसको नोप्लियस कहा जाता है। नोप्लियस के बाद में क्या है कि डेवलपमेंटल जैसे जैसे स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं और स्टार्टिंग की जो मैच्योर स्टेज वगैरह होती है, स्टार्टिंग का जो प्रथम लार्वीज वगैरह क्रस्टेशियन के अंदर वो कौन सा होता है नोप्लियस वगैरह, उसके बाद में मेटानोप्लियस,
माइसिस, जुइया, मेगालोपा, इस तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स के जो लार्वीज वगैरह होते हैं, तो वो फ्री लिविंग लार्वीज वगैरह के अंदर आएंगे, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। उसके बाद में हम बात करें जो पैरासाइट के रूप के अंदर जो लार्वीज वगैरह होते हैं, तो वो कौन कौन से, उनके बारे में फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसके अंदर हम देखें, इसके अंदर क्या होता है, बाइपिनेरिया जो लार्वीज वगैरह होते हैं वो कौन से, जो पैरासिटिक लार्वीज वगैरह है, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह वो होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मेरासीडियम जो लार्वा वगैरह होता है, नेक्स्ट है इसके अंदर स्पोरोसिस्ट लार्वा और रेडियल लार्वा और सिरे सि... इसके अंदर रेडियल लार्वा वगैरह हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर सिरकेरियल लार्वा वगैरह। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या है कि काफी डिफरेंट टाइप्स के और भी काफी प्रकार के इसके अंदर जो पैरासिटिक होम के अंदर जो लार्वीज वगैरह होते हैं तो वो पाए जाते हैं, पैरासाइट के रूप के अंदर रहते हैं। तो मेनली आज का हमारा टॉपिक वगैरह रहेगा इसके अंदर जो फ्री लिविंग लार्वीज वगैरह होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह के अंदर, जिनको क्रस्टेशियन लार्वीज वगैरह कहा जाता है। तो उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा लार्वा वगैरह, नोप्लियस लार्वा वगैरह, उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर वगैरह है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि किसी भी प्रकार के लार्वीज वगैरह हो, वो किसका लार्वा है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रखने योग्य बातें हैं। जैसे सेकंड ईयर वगैरह का पार्ट वगैरह है हमारा जो बीएससी सेकंड ईयर वगैरह, तो उसके अंदर जो यूनिट थर्ड वगैरह है तो उसके अंदर है ये क्रस्टेशियन लार्वीज वगैरह। तो उसके अंदर क्वेश्चन वगैरह किस प्रकार से पूछा जाता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि जैसे शॉर्ट नोट क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, कि जैसे नोप्लियस लार्वा वगैरह है तो इसके अंदर जैसे किस, यानी कि मेनली है किसका लार्वा वगैरह, तो ये सारी चीजें इसके अंदर पूछ सकते हैं। या फिर बाद में ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं कि जो क्रस्टेशियंस लार्वीज वगैरह होते हैं तो उनके बारे में सचित्र वर्णन वगैरह कीजिए, या फिर बाद में पर्टिकुलर दे देगा कि मेगालोपा, जैसे शॉर्ट नोट्स देता है ना, कि शॉर्ट नोट्स के अंदर की छोटे क्वेश्चंस वगैरह के अंदर की तीन नंबर का क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस के रूप के अंदर दे देता है। तो उसके अंदर क्या करेगा, दो लार्वीज वगैरह दे देगा आप लोगों को कि इस लार्वीज वगैरह, जैसे नोप्लियस दे दिया, मेटा नोप्लियस, मेगालोपा लार्वा हो गया, साइप्रिस हो गया, माइसिस वगैरह हो गया, तो इन सभी के बारे में क्या होगा कि दो लार्वीज देके और फिर बाद में उनके बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन वगैरह। तो इसके जो फॉर आप लोग किस तरीके से उसका एग्जाम्पल थ्रू इसका दोगे, यानी कि पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो वो उसके बारे में इस तरह चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि जो मेनली जो नोक्लियस लार्वा वगैरह है, फर्स्ट लार्वी वगैरह, यह क्रस्टेशिया वर्ग का, यानी कि जो क्रस्टेशियन वर्ग वगैरह है, तो उसका क्या है कि प्रथम सरलतम एवं सामान्यतम लार्वा वगैरह है। क्या है ये, स्टार्टिंग जो पीरियड वगैरह, स्टार्टिंग का जो लार्वीज वगैरह है तो वो कौन सा है, सबसे सिंप्लेक्स जो स्ट्रक्चर रूप के अंदर है नोप्लियस लार्वा उसको कहा जाता है। इसके बाद में जो अधिकांश समुद्रवासी क्रस्टेशिया और कुछ, यानी कि जो मृदु पृष्ठवर्मी जिसको मेलेकोस्ट्रकंस कहा जाता है, प्राणियों में ये क्या होता है, मेलेकोस्ट्रकंस जो भी प्राणी वगैरह होते हैं जिनको किस नाम से जाना जाता है, मृदु पृष्ठवर्मी के नाम से जाना जाता है, तो उन प्राणियों के अंदर पाया जाता है मृदु पृष्ठवर्म, यानी कि पृष्ठ सतह वाले जो भी हैं। और वर्म का मतलब होता है कीड़ा या कीट वगैरह जिसको कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, लार्वी वगैरह होते हैं, तो लार्वी वगैरह को क्या कह सकते हैं, कीट या कीड़ा वगैरह कहा जाता है। इसी के अंदर हम बात करें कि जैसे लार्वी होम के अंदर किस प्रकार से लार्वा का डेफिनेशन वगैरह देख लिया कि लार्वा होता क्या है मेनली। इसके बाद में हम इसके बारे में देखते हैं कि जो नोक्लियस लार्वा वगैरह है तो ये किसका लार्वा है और इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें वगैरह पाई जाती है। अब जैसे इसकी बॉडी फॉर्म की हम बात करें तो बॉडी फॉर्म के अंदर क्या होगा, इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर वगैरह के रूप के अंदर आ जाएगी, जिस प्रकार से इसकी आर्म्स वगैरह दिख रही है ना ऊपर वाले हेड वाले हिस्से के अंदर, और फिर बाद में जस्ट ये आर्म्स वगैरह यानी कि जो भुजाएं दिख रही है जस्ट नीचे वाला पार्ट के अंदर, तो इसी प्रकार से इसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह होती है। और ये क्या होता है, नोप्लियस लार्वा ऑफ साइक्लोप्स, ये किसका लार्वा है, साइक्लोप्स का लार्वा वगैरह है। किसका लार्वा है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर मैंने पहले बता रहा था कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है इसके अंदर ये किसका लार्वा है और इसके स्ट्रक्चर रूप के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस वगैरह पाई जाती है अदर लार्वा के कंपैरिजन के अंदर। तो ये साइक्लोप्स का लार्वा वगैरह है। इसके बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ऊपर वाली ये आर्म्स वगैरह होती है और इन इसके अंदर क्या होता है कि ये मिड के अंदर पाई जाने वाली मिड जो मीडियन आईज वगैरह होती है जिसको किस नाम से जाना जाता है, कंपाउंड आईज के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में जो इसकी आर्म्स वगैरह होती है ये एंटीनास वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, एंटीनास वगैरह होते हैं, एंटीन्यूल्स वगैरह होते हैं इसी के स्ट्रक्चर के अंदर। और जो मिड के अंदर जो ये स्ट्रक्चर वगैरह पाई जा रही है इसको क्या कहा जाता है, सिफेलोथोरिक्स के नाम से जाना जाता है। सिफेलोथोरिक्स किस, देखो सिफेलोथोरिक्स किस वजह से कह रहे हैं इसको,
कि जैसे हेड वाला हिस्सा और थोरेक्स वाला हिस्सा क्या है कि इसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको विभाजित नहीं किया जा रहा है, इसके अंदर एक ही फ्यूज्ड स्ट्रक्चर रूप के अंदर। ये क्या है फ्यूज्ड का मतलब, इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, इसके अंदर हेड वाला हिस्सा और थोरेक्स वाला हिस्सा क्या है जुड़ा हुआ है, यानी कि सिफेलो, सिफेलो का मतलब है सिर वाला हिस्सा और थोरेक्स वाला रीजन के मतलब, यानी कि थोरेक्स वाला रीजन वगैरह, तो इसी को कम यानी कि एक साथ अटैचमेंट करके किस प्रकार से बोल सकते हैं सिफेलो थोरेक्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो सिफेलो थोरेक्स का मतलब हेड और थोरेक्स वाला रीजन वगैरह, इसके अंदर क्या है फ्यूज्ड स्ट्रक्चर वगैरह, जुड़ी हुई संरचना वगैरह है। ऊपर देखो ये हेड वाला हिस्सा वगैरह और ये थोरेक्स वाला हिस्सा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं कर सकते, इनको एक अलग अलग रूप के अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक ही फॉर्म के अंदर कन्वर्ट वगैरह है, यानी कि बॉल शेप के अंदर रूप में ये विखंडित वगैरह है। तो इसके इसी के जस्ट नीचे इसके बाद में जो इसकी आर्म्स वगैरह निकली हुई है साइडों के अंदर, और ये इसी के ब्लैक साइड और से ये आर्म्स वगैरह के रूप के अंदर ये इसके जो रोम्स लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर निकले हुए। इसके बाद में हम बात करें इसके अंदर क्या होता है रूडिमेंट्री एब्डोमेन वगैरह। रूडिमेंट्री का मतलब ये हो गया इसके अंदर आभासी प्रकार का क्या पाया जाता है एब्डोमेन, यानी कि उदर खंड वगैरह पाया जाता है, उदर भाग वगैरह। नॉर्मली तो क्या होता है कि जो इसकी स्ट्रक्चर वगैरह होती है एवरीवन लार्वा की, तो एवरीवन यानी कि प्रत्येक लार्वा के अंदर क्या होता है हेड थोरेक्स और एब्डोमेन के अंदर तीन भागों के अंदर इसकी बॉडी कन्वर्ट वगैरह होती है, तीन भागों के अंदर विखंडित वगैरह होती है। लेकिन अब जैसे ये तो सिंपलेस्ट यानी कि क्या है साधारण स्ट्रक्चर, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है सिंप्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर यह है ये तो। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे मेटानोप्लियस या मेगालोपा या साइप्रियस माइसिस वगैरह, तो इन सभी के अंदर क्या होगा धीरे धीरे इसकी बॉडी स्ट्रक्चर रूप के अंदर क्या होगा विखंडन वगैरह होना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब ये है कि इसके हेड वाला हिस्सा और इसका थोरिक्स वाला हिस्सा और एब्डोमेन वाला जो हिस्सा वगैरह है इसके अंदर जो इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो डेवलपमेंट होती चली जाएगी और अलग अलग इसको सेपरेट वगैरह हो जाएगा, हेड वाला हिस्सा अलग, थोरेक्स अलग और एब्डोमेन वाला हिस्सा वगैरह अलग होता चला जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया कि इसके अंदर मीडियन आइज वगैरह पाए जाते हैं, एंटीनोड्स पाए जाते हैं, एंटीनास वगैरह पाए जाते हैं, सिफेलो थोरेक्स रीजन होता है और एब्डोमेन कैसा होता है रूडिमेंट्री एब्डोमेन वगैरह इसके अंदर स्ट्रक्चर और रूप के अंदर होता है। तो लार्वीज वगैरह के बारे में बात होगी, जो लार्वा क्या होता है इमेच्योर स्टेजेज वगैरह होती है वो कैसी होती है, जैसे एडल्ट वगैरह है और जो प्यूपा वगैरह है ना उससे क्या होती है डिफरेंट टाइप की होती है और स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसके अंदर भी डिफरेंट वगैरह होगी। तो ये इसके बारे में बात कर ली। अब इसके जो रीजन वगैरह है पर्टिकुलर जो रीजन है ना कंपाउंड आइज हुई एंटीना एंटेन्यूस एब्डोमेन वगैरह, तो उन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं एक एक करके विस्तृत चर्चा करते हैं इसके अंदर कि कौन कौन से रीजन वगैरह किस प्रकार से इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में सी के अंदर नेक्स्ट देखते हैं जब परिवर्तन यानी कि जो इसका डेवलपमेंट वगैरह है परिवर्तन अनेक लार्वा अवस्थाओं से होकर आगे बढ़ता है तो उनमें नोक्लियस लार्वा सबसे प्रारंभिक एवं आधारभूत लार्वा अवस्था होती है। प्रिमिटिव जो भी स्टेजेज वगैरह होती है लार्वी फॉर्म वगैरह की स्टार्टिंग पीरियड के अंदर तो वो कौन सी होती है लार्वा वगैरह कौन सा होता है नोक्लियस लार्वा वगैरह होता है। तो इसी को कहा जाता है यानी कि जब परिवर्तन की जो अनेक लार्वी जो अवस्था वगैरह होती है अनेक जो डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह होती है लार्वी फॉर्म के अंदर से होकर आगे बढ़ता है तो उनमें जो नोक्लियस लार्वा वगैरह है तो वो सबसे क्या है प्रिमिटिव यानी कि सबसे प्रारंभिक एवं आधारभूत जो होता है तो लार्वा कौन सा होता है इसके अंदर नोक्लियस लार्वा। इसका शरीर छोटा होता है जिनमें तीन अस्पष्ट भाग एक मध्यवर्ती नेत्र जिसको कंपाउंड आइज के नाम से जाना जाता है और नोक्लियस नेत्र की भांति जाना जाता है उसको किसके नाम से नोक्लियस नेत्र जिसको क्या कहते हैं इसके अंदर जो कंपाउंड आइज वगैरह होती है इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होती है मध्यवर्ती जो नेत्र वगैरह होता है ये बीच के अंदर बिट के अंदर जो ब्लैक सा कलर से शो कर रखा है ये वाली स्ट्रक्चर रूप के अंदर। इसके बाद में और इसमें तीन जोड़ी उपांग वगैरह अपेंडेजेज वगैरह पाई जाती है इसके अंदर तीन जोड़ी उपांग वगैरह अपेंडेजेज वगैरह पाई जाती है। अपेंडेजेज उपांगों में एक साकित लघु सृंगिकाएं यानी कि लघु सृंगिकाएं इसके अंदर पाई जाती है जिसको एंटीन्यूल्स के नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहा जाता है एंटीन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में संतुलनकारी अंग भी कहते हैं क्या क्या कहा जाता है एंटीना को जो एंटीन्यूल्स वगैरह होते हैं उसको संतुलनकारी जो अंग वगैरह होते हैं उसके नाम से भी उसको बैलेंसिंग जो भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं तो उसको नाम से जाना जाता है। द्विशाखित इसके अंदर क्या होती है एंटीनास वगैरह होते हैं देखो ये तो क्या है ऊपर वाले एंटीन्यूल्स वगैरह होते हैं और इसके जस्ट बाद में ये क्या है द्विशाखित जो संरचना वगैरह जो स्ट्रक्चर रूप के अंदर है
तो इसको क्या कहा जाता है, एंटीना के नाम से जाना जाता है, द्विशाखी सरंगिका वगैरह कहा जाता है। मुख्य ये क्या होती है, प्रचलन अंगों के रूप के अंदर कार्य करते हैं, और चिबुक जिसको मैंडिबल्स वगैरह कहा जाता है, सरंगिकाओं के साथ मिलकर भोजन और भोजन को क्या करते हैं, संकलनकारी अंग होते हैं। ये क्या होते हैं, भोजन के साथ में क्या होते हैं, संकलनकारी अंग के रूप के अंदर कार्य करते हैं। तो ये हो गए इसके एंटीनल्स वाला पार्ट वगैरह, एंटीनास वगैरह, और इसके अंदर मैंडिबल्स वाले रीजन वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं। और ये नोपलियस लार्वा वगैरह है, तो ये क्या होता है, जो साइक्लोप्स वगैरह जैसे कॉपीपॉड्स जंतुओं में ये पाए जाते हैं, जो कॉपीपॉड्स जंतु वगैरह होते हैं उन्हीं के अंदर ये क्या होते हैं, जनरली मिलते हैं, पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, जैसे मैराइन सिस्टम वगैरह होता है, जो वाटर सिस्टम वगैरह होता है, सीज वगैरह, उनके अंदर क्या होता है, ये जनरली मिलते हैं, पाए जाते हैं। समुद्री जो जंतु वगैरह होते हैं वहीं पे ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, वाटर सिस्टम वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां तक बात हो गई कि ये किस प्रकार से ये कन्वर्ट वगैरह होते हैं और कौन कौन से रीजन्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर एंटीना, एंटीनल्स और मैंडिबल्स वाले रीजन्स वगैरह पाए जाते हैं, सिपेलोथोरिक्स रीजन होता है, और एब्डोमेन कैसा होता है, रूडिमेंट्री वगैरह होता है, और ये साइक्लोप्स वगैरह का लार्वा फॉर्म वगैरह होता है, नोप्लियस जिसको कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेटानोप्लियस वगैरह है, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं मेटानोप्लियस वगैरह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।